महोबा जिले में मंगलवार को बदमाशों ने पुलिसकर्मियों से राइफलें छीन ली और उन पर गोलियां चलाई। पुलिसकर्मियों ने भी बचाव में जवाबी कार्रवाई की। इस वारदात में 3 पुलिसकर्मियों समेत 5 लोग घायल हो गए। महोबा की पुलिस अधीक्षक अपर्णा गुप्ता ने कहा कि ट्रैफिक जाम हटाने गए एक उप निरीक्षक के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार करने और उसकी पिटाई करने के आरोप में सोमवार को कुछ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। इसके बाद 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस वारदात में आरोपियों ने पुलिसकर्मियों की राइफलें छीनकर भागने की कोशिश की। उनके मुताबिक बचाव में पुलिस की तरफ से की गई कार फायरिंग में परशुराम और मोनू नाम के 2 बदमाश घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए कम्युनिटी हेल्थ सेंटर भेजा गया। पुलिस ने बताया कि वारदात में एक सब इंस्पेक्टर और 2 कॉन्स्टेबल मामूली रूप से घायल हो गए। उनका इलाज भी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में चल रहा है। पुलिस के मुताबिक दूसरे आरोपियों को पकड़ने की कोशिश भी की जा रही है। महोबा पर कल एक FIR दर्ज की गई थी 196/23, जो कि एक पुलिसकर्मी के साथ हुई अभद्रता व मारपीट के विषय थी। एक जगह पर जाम लगा था जिसको खुलाने के दौरान एक दरोगा जी के साथ वहां पे उपस्थित कुछ शरारती तत्वों ने मारपीट की घटना को अंजाम दिया था। इसके अंतर्गत त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया था। आज उनको मेडिकल हेतु ले जाया जा रहा था, जिसमें से रास्ते में 2 लोग लघु शौच के नाते उतरे व उन्होंने पुलिसकर्मी की राइफल छीन के वहां से भागते हुए फायर किया, जिसमें जवाबी कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई व इसमें 2 लोगों को